कुछ खाइए। हेलो सुंदर लड़की, केक क्या चाहती है? मैंने पहले ही फ्राइज और बर्गर की ड्राइंग बना ली है, बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स की तरह। वाह, ये बहुत आसान है। मैं मैकडॉनल्ड्स का एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। मैं सबसे सही बर्गर और क्रिस्पी फ्राइज बनाऊंगा। मैं इसे जल्दी करूँगा। सबसे पहले कटलेट को फ्राई करें और तब तक मैं फ्रेंच फ्राइज को डीप फ्रायर में डाल देता हूँ। और अब कटलेट को पलट देते हैं, फ्रेंच फ्राइज को तेल से बाहर निकाल देते हैं और इसे पैकेट में डाल देता हूँ और इसे स्पेशल रैप में लपेट देता हूँ और मेरा यह तैयार है। तुम इसे खा सकती हो केक? यह क्या है, कितना भयानक। आउच, मेरा जबड़ा। यहाँ मुझे मिल गया। अपने मुँह में वापस जाओ, दांत जगह पर है। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं मैकडॉनल्ड्स का एक हेल्दी वर्जन बनाऊंगी। मुझे एक सेब चाहिए। इसे अंदर से पूरा खाली कर देती हूँ, फिर मैकडॉनल्ड्स की तरह दिखने के लिए इसमें चाकू की मदद से लेटर एम काटती हूँ, लेकिन दादी के अपने स्टाइल में। अब गाजर को मैं ग्रेट करती हूँ, पतले लंबे पीस में काट लेती हूँ। गाजर फ्रेंच फ्राइज की तरह होगा, लेकिन तेल और नमक नहीं। अब एक बर्गर बनाना बचा है। मुझे फिर से सेब चाहिए। हम सेब को दो हिस्सों में काटते हैं और अब इस पर कीवी रखते हैं, फिर अनानास और दूसरे हिस्से से ढक देते हैं और यह तैयार है। ओह, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है, ये इतना है। इतना कहाँ से आया? देखो मुझे क्या मिला है, ये चॉकलेट फाउंटेन है। ये कितना स्वादिष्ट है, अद्भुत, लाजवाब। लेकिन मुझे बर्गर बनाना है और वो बनेगा डोनट से। हाँ बिल्कुल, हम एक डोनट लेते हैं, इसे चॉकलेट फाउंटेन में डुबोते हैं। यह हुई ना बात। अब मैं लॉलीपॉप को चॉकलेट में डिप करूंगी, फिर गमी आइस को चॉकलेट में डिप करती हूँ और मुझे मार्शमेलो की भी जरूरत होगी और गमी रिबन की भी। केक को ये बहुत पसंद है। अब बर्गर इकट्ठा करने का समय है। हम अपनी सारी चॉकलेट से ढकी कैंडीज को इस पर रखते हैं। हमें सॉस की भी जरूरत है और ऊपर से ब्लूबेरी फ्लेवर के साथ मीठा जेल होगा। हमने चॉकलेट में डोनट्स को कवर किया और ऊपर से नट कैंडीज, बहुत सारे। और मेरी ये चॉकलेट गमी फ्राइज है, यह भी कमाल का स्वादिष्ट है। केक मेरी डिश भी तैयार है, जल्दी से चखो और बताओ। वाओ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ बर्गर और फ्राइज का पूरा पहाड़ है। और यहाँ क्या है? वो सेफ बर्गर और गाजर फ्राइज है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मैं इसे चख कर देखती हूँ। मैंने कभी फ्रूट बर्गर नहीं खाया है, इसे खाना मुश्किल है। स्वाद भी कुछ खास नहीं है। और गाजर फ्राइज का स्वाद कैसा होगा, चलो इसे चखें। कुछ खास नहीं। और यहाँ क्या है? वाओ, मैकडॉनल्ड्स के बहुत सारे फ्राइज और बर्गर, यही मैं चाहती थी। मैं बर्गर से शुरू करूंगी, चलो उसे ट्राई करें। वाओ, कितना स्वादिष्ट, मैं सारे फ्राइज खा लूंगी। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? यह नहीं हो सकता, ये मेरे फेवरेट कैंडीज का बर्गर है और सब कुछ चॉकलेट से कवर किया गया है। इसका स्वाद जरूर बहुत अच्छा होगा, मैं इसे अभी खाती हूँ। वाओ, और गमी फ्राइज, बढ़िया और बहुत स्वादिष्ट। मैंने तय कर लिया है कि वेंडी विनर होगी। ये, मैं जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कैसे? और अब मुझे मिल्क शेक चाहिए, क्या आप इसे बनाएंगे? क्या सच में? यह मैकडॉनल्ड्स की सबसे आसान रेसिपी है, मुझे बस एक कप चाहिए। अब मैं इसे विशेष मशीन में डाल रहा हूँ। स्वादिष्ट ग्रिमेस से ग्लास भरे। ये ग्रिमेस के जन्मदिन के सम्मान में मिल्क शेक है, बहुत स्वादिष्ट। ढक्कन से ढके और स्ट्रॉ डाले। अब सब कुछ तैयार है, जल्दी, स्वादिष्ट और आसान। दादी आप क्या कर रही हैं? इस कॉकटेल में शायद बहुत सारी चीनी है। यहाँ मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी मिल्क शेक बनाऊंगी। मुझे सब्जियाँ चाहिए, बहुत स्वादिष्ट होंगे। एक ब्लेंडर में ब्रोकली को पीसा, गाजर, फिर टमाटर, ये बहुत जूसी है। बस हो गया। अब मैं ग्लास में टमाटर की एक परत डालती हूँ, फिर ब्रोकली की और फिर गाजर की। ये लेयर्स में बनेगा मेरा स्मूदी। और एक ब्रोकली से इसे सजा दिया, यह हेल्दी और बहुत स्वादिष्ट है। और मेरे पास सोडा कॉकटेल होगा। मैंने फैसला किया कि मैं केक को पसंद आने वाले हर चीज का उपयोग करूंगी। चलो सेवन अप लेते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट सोडा है। इसे ग्लास में डालेंगे, फिर हम इसमें स्कीटल्स डालेंगे। सुपर, मैं इसमें बहुत सारे गमीज भी डालना चाहती हूँ।
कुछ स्वादिष्ट एप्पल फ्लेवर च्यूइंग कैंडी। मैं अपने कॉकटेल में गम पेस्ट भी डालना चाहती हूँ। ये ट्यूब टूथपेस्ट की तरह दिखते हैं, लेकिन असल में च्यूइंग गम है और बहुत स्वादिष्ट भी। और मॉल्टीसर्स चॉकलेट बॉल्स भी डालना चाहती हूँ। या हुई ना बात, बहुत सारी कैंडी जैसी कोई चीज नहीं है, तो चलो बहुत सारे कॉटन कैंडी डालते हैं। और सोडा में इतनी खूबसूरती से घुल गई। अब हमें एक स्वादिष्ट कैक्टस स्प्रे करने की जरूरत है। वाह कितना अच्छा। और एक स्ट्रॉ वो पॉप ट्यूब से बनने वाला है, ये बहुत अच्छा है। मेरा प्यारा कॉकटेल तैयार है। कितना खराब, चलो केक चेक कर बताओ। ये मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। चलो इससे शुरू करें। सब्जियों की खुशबू बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यह क्या है, चलो चेक कर देखती हूँ। ओह ये बहुत बेस्वाद है। सारी कैंडीज का स्वाद एक साथ घुल के आ गया है। नहीं मुझे पसंद नहीं आया। मैं इसे नहीं पीऊंगी। और यह क्या है, वाह चलो चेक कर देखे। यह तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, मैंने पहले कभी इसे नहीं पिया है। इस कॉकटेल के बाद कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मुझ पर बैंगनी फर क्यों उगाया? हटाओ इसे, हटाओ। ऊन मेरे गले में आ गया। ये कॉकटेल बहुत अजीब है। दादी का कॉकटेल जीत रहा है। क्या सच में मैं जीत गई? तुम बहुत अच्छी हो बेटा। कृपया मुझ पर ध्यान दें, इस बार मुझे केक चाहिए। आशा है कि आप इसे स्वादिष्ट बनाएंगे। क्या केक? नहीं मुझे केक बनाना नहीं आता। मैंने अपने जीवन में मैकडॉनल्ड्स में कभी केक नहीं बनाया है, और ये मेरे मेनू में भी नहीं है। मुझे देखना पड़ेगा, यह केक नहीं है। ओह मुझे क्या करना चाहिए? बस हो गया, मैं पक्का हारने वाला हूँ। मैंने कभी केक नहीं बनाया है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है, मैं दूसरों को देख कर वैसा ही कर सकता हूँ। मैंने पहले ही केक में लेयर लगा दिया है। अब क्रीम के साथ पूरे केक को कवर कर दिया और इस पर एक सुंदर स्ट्रॉबेरी लगाया, ब्लूबेरी और कुछ और बेरीज भी। अब इसे चारों ओर से सजा देती हूँ। ये बहुत सुंदर है। बस हो गया, कितना स्वादिष्ट। मेरे केक से दूर रहो। और ये व्हिप्ड क्रीम वाला केक है, ऊपर व्हिप्ड क्रीम निचोड़े। चलो थोड़ा चख लेती हूँ, ये स्वादिष्ट है। हाँ मेरे पास मिनी ओरियोज है, मैं उन्हें केक के ऊपर रखूंगी। मुझे लगता है कि मिनी ओरियोज के दो पैक मेरे लिए काफी होंगे। बिल्कुल सही, ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। ये स्वादिष्ट लग रहा है, पर मैं क्या बनाऊं? मैं समझ गया हूँ, सबसे पहले मुझे क्रीम चाहिए। मैं एक ट्यूब लेने जा रहा हूँ, इसमें मैक्सलरी आइसक्रीम डालूंगा। यहाँ मेरी क्रीम है। अब सामान्य बंस लेते हैं, वे मेरे केक होंगे। अब हम पूरा केक तैयार करेंगे। बन, क्रीम, बन और क्रीम, फिर से और इसी तरह कई लेयर्स। अब इसे सब ओर से चिकना कर लेंगे। और अब ऊपर से एक सुंदर क्रीम पैटर्न बनाना बचा हुआ है। और स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एवरेस्ट लिखे। बिल्कुल सही, मैंने अपना केक बना लिया। केक इसे चेक कर बताओ। वाह सभी केक बहुत प्यारे हैं, विशेष रूप से ओरियो के साथ। इसे ट्राई करती हूँ। वाह कितना स्वादिष्ट और बड़ा है। ला जवाब, मुझे वास्तव में पसंद आया। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह तो ये बेरीज के साथ एक केक है। ये सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसका स्वाद कैसा है? स्वादिष्ट, लेकिन उतना कुछ खास नहीं। और यहाँ क्या है? OMG ये मैकडॉनल्ड्स केक है। मैंने कभी यह नहीं खाया है। क्रीम किस चीज से बनी है? वाह ये मुझे मैक्सलरी की याद दिला रहा है। स्वादिष्ट, चलो एक टुकड़ा चखें। वाह कितना अच्छा है, मैं रुक नहीं सकती। इसका स्वाद कमाल का है। मैं इस केक को जीत दे रही हूँ, यह अद्भुत था। यह कोई मजाक तो नहीं है ना? मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं